Stop by, highest in the room, must have punching in the heart by your gun, I keep a dun, send me those a cut apart, ayy. Oh, sorry, I'm like that, ayy. ना एक्चुअली स्कूल से हम लोगों ने शायरों को पढ़ा है, हमें स्कूल में पढ़ाते थे। एक म्यूज़िक इंडस्ट्री ही है जिसने पाकिस्तान में किसी न किसी तरह सर्वाइव किया है। बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, लेकिन 80s एंड 90s की बात करें तो फ्रॉम द लाइक्स ऑफ जुनून टू वाइटल साइंस टू सज्जाद अली, आवाज़, शहजाद रॉय, नजम शिराज एंड मैनी मोर। 2000s में हमारी इंडस्ट्री का गेम ही ऑन हो गया। सबसे पहले आया आँखों के सागर, विच वॉज द बिगिनिंग, फॉलोड बाई मनवारे एंड देन केम आदत, विच लिटरली चेंज्ड एवरीथिंग फॉरएवर। The likes of Noori, Atif, Fusion became household names, followed by Ali Zafar, RO, Jal, EP and many many more came. ये golden era थोड़े time के लिए चला और music channels वगैरह सब बंद हो गए। साथ ही original music आना बंद हो गया और लोगों के albums भी खत्म हो गए। Then came Coke Studio, which was the final shining light of the industry, because उसके अलावा कुछ था ही नहीं। So देखा जाए, it's pretty safe to say कि शुरू से हमारा जो मेन स्ट्रीम म्यूजिक है वो पॉप रॉक ही रहा है, एटलीस्ट फ्रॉम द 80s, और हिप हॉप का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। 2013 में इन दो गुलशन के जवान लड़कों का गाना आया बर्गरे कराची बाय यंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें कराची के बर्गरों को डिस किया जा रहा था, और उर्दू रैप के फॉर्म में एक नया म्यूजिक आया विच वॉज ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर टू बी ऑनेस्ट। उस वक्त एक छोटी कैपेसिटी में ये लोग काफ़ी वायरल हुए। इधर उधर कुछ छोटे मोटे चैनल्स पे भी ये लोग आए, लेकिन थोड़े टाइम में पता ये चला कि ये लोग स्प्लिट हो गए। कुछ सालों बाद इन अराउंड 2017-18 इन लोगों ने फिर एक कमबैक मारा विद एल्बम रीपर, जो कि अच्छा हिट एल्बम हुआ और उनको काफी फॉलोइंग मिलना शुरू हुआ। अगला इनका रिलीज हुआ असली, जिसमें इनका प्रॉपर म्यूजिकल पोटेंशियल नजर आया और मेन स्ट्रीम में आ गया गाना फुल टाइम। ये बात मैंने लिख के रख ली है कि बॉय आई सेट ट्रेंड्स, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया में एंट्री हुई कोरोना वायरस की और लड़के पागल हो गए गाने पे गाना फेंक के, और क्वारंटीन के जमाने में आया इनका गाना क्वारंटीन विद कृष्णा द फेमस इंडियन रैपर, और इंडिया में भी उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गया। तेरे जैसा नहीं तू मेरे जैसा क्यों है, मारे तूने मिस फायर, अभी तेरा राउंड खाली, तेरा सर पैर भाई भाई पूरा साउंड खाली, तू काम भारी नहीं। सवाल यही था कि क्या इस मोमेंटम को ये लोग कैश कर सकते हैं, एंड फिर इन्होंने निकाला कुमार। परेशान वो पढ़ती थी किताबें, मैं पढ़ता हूँ इंसान, इंसान भी क्या चीज है, एक में वफा नहीं और दूसरे को वफा की उम्मीद है, इंसान भी क्या चीज है, मैं कल गुजरा फिर उधर से तो याद आ गई चीज एक राजी दिल तो रजामंदम क्यों नहीं नई टापी। उस गाने ने हर लड़के की रूह को छुआ और गाना था भी मोहब्बत पे, और यहाँ हर बंदा दिल फेंक के आपको वैसे ही पता है, तो everyone could relate. They never ever looked back after that. इतना भी दूर नहीं, feels like yesterday. फिर आया अफसाने, which for me is my personal favorite young stunner song ever. It literally changed my perspective of Urdu rap forever. Industry करे follow brands go where I go. जो सबसे appealing चीज है इनकी कि इनके lyrics में reality होती है और हर बार कोई ना कोई important message भी होता है। सिर्फ एमी बोंगिया नहीं मार रहे होते लोग। इस गाने में यंग स्टनर्स ने ऐसी ऐसी बातें की, the lyrics were just so powerful and you could relate to everything they were saying. मैंने personally इससे पहले कभी रैप को सीरियस नहीं लिया था पाकिस्तान में, और इन्होंने वाकई दिमाग घुमा दिया मेरा इस गाने से। बस उसके बाद एक से एक गाना अनबिलीवेबल था, जैसे लगा रह आया। खुद आप बताएं किस लेवल के लिरिक्स हैं, एंड बस पाकिस्तान के ब्रांड्स बिल्कुल ही पागल हो गए उनके पीछे। वाले कहते घर में स्टूडियो बना ले, वक्त बदलता है, यू जस्ट गॉट टू डू यू, खुदा सबका है, मत होना उदास। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम रैप भी कोई चीज हो सकती है,
और जैसे इन्होंने कहा इंडस्ट्री करे फॉलो ब्रांड्स गो वेयर आई गो, ये बात बिल्कुल सही निकली बिकॉज एवरी बिग ब्रांड ऑफ पाकिस्तान जस्ट वेंट आफ्टर देम। सुबह से लेके शाम तक हर बड़ा ब्रांड यंगस्टर्स बजा रहा था, फ्रॉम कोक टू पेप्सी टू इन्फिनिक्स, यू जस्ट नेम इट। जिस तरह से यंगस्टर्स ने कराची को ओन किया है, वो हर कराची वाला जानता है कि वो चीज कितनी ज्यादा दिल को लगती है। लेकिन इनकी पहुंच सिर्फ कराची तक नहीं थी, क्योंकि लाहौर, इस्लामाबाद और पूरा पाकिस्तान इनको सुनता है। एंड नॉट ओनली पाकिस्तान, इंडिया में भी बहुत बड़ी फॉलोइंग है यंगस्टर्स। एक चीज में इनकी बहुत अच्छी किस्मत चली कि गली बॉय जैसी फिल्म आई, उससे उनको वो पुश मिला जो ये डिजर्व करते थे बहुत टाइम से। दे आर द रियल ओजीज ऑफ उर्दू हिप हॉप, क्योंकि इनके बाद अनगिनत रैप म्यूजिशियंस आए हैं और पाकिस्तान का अब मेन स्ट्रीम म्यूजिक रैप बन चुका है। अब मेरी बातें बहुत हो गई, अब इट्स टाइम कि आप खुद भी देखें। टू बी रियली ऑनेस्ट, मतलब लाइफ अभी ना थोड़ी बहुत हेक्टिक भी हो गई है, मगर मजा बहुत आ रहा है। सारी लाइफ हमने यही मतलब विश किया है कि यार हमारी ये लाइफ हो, तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। और अभी हमारा ये शो है कराची में, तो आई थिंक ये हमारा काफी टाइम बाद पहला शो है। मतलब हम ये कोई वन नाइट थिंग नहीं है कि मतलब हम हमारा एक गाना हिट हो गया और हम अभी यहाँ खड़े हुए और इस तरह से हमारे शोज हो रहे हैं। वी बीन प्लेइंग इन लाहौर क्वाइट अ लॉट। चलो यार गाना यहाँ बैठ गए, उसको बंद अभी करो, थोड़ा टाइम हो गया कराची के, वो ये नीचे देख के देख के भाई मैन होल माइंड द गैप बैग। अब ऐसा लग रहा लगा रहा होगा ऑब्वियसली कराची आपको पता है वाइल्डेस्ट ऑफ द सिटीज एक है वो, तो उसकी एक अलग वाइब है लोगों की। और मेरा होम टाउन है ना, मतलब हमारे अपनी टच बेस वाली बात है। राइटिंग प्रोसेस हमारा ज़्यादातर इस तरह से होता है कि वो अपना पार्ट खुद कर रहा होता है, मैं अपना पार्ट खुद लिख रहा होता हूँ। तो हमारे जो वर्सेस होते हैं ज़्यादातर वो हमें हिंदी में लिखे और वो सारे जो है हमने, कभी कभी ऐसा होता है कभी कोई एक पहले लिख लेता है, कोई एक बाद में लिख लेता है, कभी कभी हम साथ भी बैठे होते हैं तो वो मेरा राइटिंग प्रोसेस बड़ा मतलब स्पॉन्टेनियस सा है, कहीं भी लिख लेता हूँ जो भी मतलब अच्छा लग रहा हो। स्टोरी टेलिंग मैंने की है पिछली कुछ एल्बम्स में, अभी मैं एक एल्बम बना रहा हूँ उसके अंदर भी मैं कुछ वापस से वो चीज़ ट्राई कर रहा हूँ। वो एक बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है बिकॉज यू हैव टू स्टिक टू अ स्टोरी एंड ऑब्वियसली इंटैक्ट रखना पड़ता है फैंस के साथ, तो वो मुझे सबसे अच्छा लगता है लाइक स्टोरी राइटिंग गाने लिखना। कोई जिस तरह मैं अक्सर होता हूँ, मैं सबसे लेट लिखता हूँ, मैं ज़्यादातर वेट कर रहा हूँ कि यार ज़रा स्ट्रक्चर आ जाए फिर मैं उसके बाद शुरू करूँ। मेरी वाज इंस्पायर्ड बाय जॉन एलिया इन हिज पोएट्री, आई रीड अ लॉट अबाउट हिम। कुमार में मैंने वो किया था जी आप लिखी मेरा नाम, तो वो आई थिंक आ जाता है जब मैं सुनना शुरू करता हूँ ना लोगों को, ऑब्वियसली इंस्पायर होता है बंदा। And how does it feel कि आपके अपने लिखे हुए गाने जब सब मिल के गा रहे होते हैं, या उसकी फीलिंग बताओ जो जनरली? जनरली इट्स लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू। वो वाली बात होती है कि मतलब आपने एक ना आपने एक शायरी की है और उस वक्त जब आप कर रहे होते हो तब आपको होता है कि यार शायद अच्छी नहीं है, मैं कोई ऑनलाइन लिख लेता हूँ या कुछ और कर लेता हूँ, और फिर जब वो रिकॉर्ड हो गया फिर ये जो एक्सपीरियंस होता है क्राउड वाला, मेरे से ना उठा नहीं, नींद से लड़ाई नहीं हो सकती, इसका ये पता नहीं क्यों नहीं सोचा।
पता नहीं यार, मुझे नहीं पता दोस्त। उस दिन मैं बीच वाले शूट पे गया तो इसने मुझे दो तीन बार बोला चले चले, मैंने कहा ब्रो ऑफ, कोई सीन नहीं है, मेरा क्या काम है वो। यार ये काम तो मेरा भी नहीं है, मैंने कहा नहीं तेरा है। आपको खुद का पसंदीदा गाना वैसे कौन सा है? खुद का पसंदीदा मेरा जो अभी हम परफॉर्म कर रहे हैं उनमें से मेरा सानिया में गाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम ऐसे करते हैं जाके मैं, और वो हम उस वक्त गाते हुए अच्छे भी नहीं लग रहे होते क्योंकि वो आवाम की एनर्जी इतनी होती है कि हम कहते हैं यार इनको गाने दो। तो वो एक फीलिंग है। वही दला के साथ अब जिस तरह हमारी एक शुरू से जो है ना हमारी बैक इन स्कूल हमारी एक केमिस्ट्री थी ऑन स्टेज, वो हम जब आते हैं ना मतलब बहुत बार होता है मैं तो साउंड चेक में भी नहीं जा रहा हूँ, तो मतलब वो मुझे इतना होता है कि यार अगर तला जा रहा होता है ना तो मेरा ये होता है कि यार चलो तला जा रहा है, मैं सो रहा हूँ होटल में और मैं डायरेक्ट परफॉर्मेंस पर जाता हूँ। लाहौर का एक्सपीरियंस कैसा रहा इंजन? पर्सनली ऐसा लगता था कि कराची इज टॉप नॉच है, सबसे ऊपर हुआ है, उसके बाद कहीं लाहौर है, बट लाहौर का फीडबैक हमेशा इस तरह का रहा है कि हमेशा बंदा अमेज हो जाता है यार कि मतलब ये भी इतना फील करते हैं हमारे म्यूज़िक को। Indian influence, your influence in India as young standards, your personal influence in India, how does it feel? Yeah, India से मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, जैसे मैंने अपना Spotify भी चेक करूँ ना जाके स्टैट्स में, तो मेरी जो टॉप सबसे ज़्यादा सुना जाता हूँ मैं यहाँ पे वो दिल्ली है, इट्स नॉट कराची, इट्स नॉट लाहौर, पाकिस्तान का कोई भी शहर नहीं है, सबसे टॉप में दिल्ली है, दिल्ली के बाद कराची है, देन मुंबई, देर पुणे है, देर काफ़ी सारे नाम मुझे याद भी हैं। इतनी केमिस्ट्री है हमारी के जो है हम उस तरह से जो है ना मतलब इसको हमारा जैम भी नहीं हुआ होता मतलब, और ये जहाँ उधर बार मिस कर रहा होता है मैं इसके जो है ना उससे समझ जाता हूँ, इसके फेशियल एक्सप्रेशन समझ जाता हूँ कि ये अगला बार ये भी नहीं मिस करेगा, और वहाँ से जो है उसका एडलिब मैं दे देता हूँ, तो वो एक बड़ी नेचुरल सी एक केमिस्ट्री है हमारी, तो वो मुझे लगता है कि वो कभी जा नहीं सकती और ना वो कभी जो है ना फोर्सफुली आ सकती है। वो आई हैव लॉन्ग लिस्ट, मैं एक बता नहीं सकता। जो मेरा ज़ाती फेवरेट है दैट्स गुमान, वो काफ़ी दिल के करीब है। सारी आवाम आप देख रहे हो तो हम आधा हमें घुमा रहे हैं, हमें गाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो काफ़ी अच्छा फील होता है, स्पेशली वेनिस कराची, और मेरा होम टाउन है ना मतलब हमारे अपनी वो टच बेस वाली बात। कभी भी इस बात में कोई शक रह गया है कि मेहनत की अज़मत नहीं होती तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। स्टार्टिंग फ्रॉम नथिंग टू बी वेयर दे आर टुडे, इट इज़ एब्सोल्युटली कमेंडेबल एंड अ लेसन फॉर ऑल कि हसल से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, एंड वन हैज़ टू फॉलो हिज पैशन, तो सक्सेस फिर खुद ही आती है। इनकी फॉलोइंग इस कॉन्सर्ट में खुद देख के मैं हैरान हो गया, दे आर द चोजन वंस।